नाउ आज हम कुछ एप्लीकेशन इसका देखेंगे यहाँ पे असिम्प्टोट पे कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ इट्स असिम्प्टोट, राइट. हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने असिम्प्टोट का थर्ड लेक्चर लेके हाजिर हूँ. और इससे पहले मैंने आपके सामने दो वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर रूट्स डिफरेंट होते हैं, मतलब एम की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो उसके असिम्प्टोट किस तरह से निकालेंगे. देन उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर रूट्स इक्वल होते हैं, मतलब एम की वैल्यू अगर इक्वल है तो उसके असिम्प्टोट निकालते हैं. नाउ आज हम कुछ एप्लीकेशन इसका देखेंगे यहाँ पे असिम्प्टोट पे कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ इट्स असिम्प्टोट, राइट, कि अगर कोई भी असिम्प्टोट है ना, और वो असिम्प्टोट कर्व जो जिस कर्व की असिम्प्टोट है वो कर्व को कितने पॉइंट्स पर कट करती है और कितने पॉइंट्स पर कट करती है, और उससे जो उसका जो लोकस होता है, उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, वो किस कर्व पर लाई करती है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, शो दैट द फोर असिम्प्टोट ऑफ द कर्व दिस कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्कल दिस, राइट. तो आपको ये बोल रहा है कि ये जो कर्व की असिम्प्टोट है वो इस कर्व को 8 पॉइंट्स पे कट करती है और उसका जो पाथ वो इस पे लाई करती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व की असिम्प्टोट निकालेंगे ना. तो असिम्प्टोट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही था, क्या करना है हमने को, सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री है ना, उसके अंदर x की जगह 1 और y की जगह m रखना, राइट, है ना. हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये 4 डिग्री है, ये हमारे पास 3 डिग्री है, ये हमारे पास 2 डिग्री, राइट. तो सबसे पहले जो 4 डिग्री है वहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, तो ये होगा आपके पास m स्क्वायर माइनस 4. एंड देन 3 डिग्री टर्म है, तो 3 डिग्री टर्म में क्या होगा, 6 माइनस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब. एंड उसके बाद 2 डिग्री टर्म भी लिख ही लीजिए, है ना, माइनस 1 प्लस 3m. नाउ हम क्या करेंगे, लेट 54m इज इक्वल टू 0, मीन्स 1 माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपके पास जो m की वैल्यू मिलेगी, वो m की वैल्यू मिलेगी आपके पास 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 2. तो यहाँ पे आपके पास 4 m की वैल्यू आई है, m1 m2 m3 m4. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, c1 c2 c3 एंड C4, उससे हमें चारों असिम्प्टोट मिलेंगे ना. इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम उसके क्या करेंगे, असिम्प्टोट्स निकालेंगे, देन हम आगे बात करेंगे क्या करना है, राइट, है ना. सो क्या करेंगे, देखिए आप आगे, है ना, मैं यहाँ बात करता हूँ, है ना. सबसे पहले हम C का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं. चलो C का फार्मूला मैं आपको यहीं बता देता हूँ. तो C इज इक्वल टू माइनस का 54m और ऊपर क्या आता है 53m, है ना. याद है जो हाइएस्ट होता है वो नीचे जाता है, जो उससे कम होता है वो ऊपर आता है, क्लियर. नाउ अब इसका 54 डैश निकालेंगे, राइट, है ना. तो 54 डैश कैसे निकालते हैं बेटा, वो u इनटू v से डिफरेंशिएशन, है ना. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 2m m स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 माइनस m स्क्वायर को छोड़ो, तो इसका कितना आएगा, ये 2m. आप देख रहे हो 2m यहाँ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है माइनस का m स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 1 माइनस का m स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 माइनस 2m स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 10 माइनस 4m क्यूब, है ना. तो ये हमारे पास 54 डिश की वैल्यू है अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट. अब ये फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो मैं यहाँ रख देता हूँ C का फार्मूला. सो C इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का बेटा 53 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 माइनस 5m प्लस माइनस 3m स्क्वायर, एंड देन कितना आएगा प्लस का 2m क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 10m माइनस का 4m क्यूब. सो ये हमारी वैल्यू आई. नाउ अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन वैल्यू पुट करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे 4, मैं वैल्यू पुट करता हूँ 4. m1 इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, जैसे m1 इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ से क्या आएगा, c1 1 रखो, यहाँ पे कितना आएगा देखो, 6 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4. तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है. सो हमारी जो असिम्प्टोट होगी वो क्या होगी, m1x प्लस c1. सो y इज इक्वल टू x, c1 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास असिम्प्टोट आएगी वो क्या आएगी, y माइनस x इज इक्वल टू 0. नाउ अब हम क्या रखेंगे, m फॉर
एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, जैसे ही माइनस वन रखेंगे तो ये हमारे पास जो सी टू आएगा वो कितना आएगा, सिक्स प्लस फाइव माइनस थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टेन प्लस फोर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी थ्री की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, सिक्स एंड उप नीचे माइनस सिक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो वन आएगा। सो वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, सो वाई इज इक्वल टू यहाँ आएगा माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज सी टू राइट। सो वाई प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज सेकेंड एसिम्प्टोट। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम फोर एम थ्री इज इक्वल टू टू रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सी थ्री आएगा, बेटा टू रखने पर कितना आएगा, आप रखेंगे यहाँ पे टू तो ये आपके पास वैल्यू आएगी सिक्स माइनस टेन है ना, और ये आएगा माइनस का ट्वेल्व प्लस का ये आएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास वैल्यू आ रही है 20 माइनस 32, आप देख रहे हो ये जीरो आ रहा है ना, 16 प्लस 6 22 एंड देन सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एम थ्री कितना है 2, c तो जीरो हो गया। सो द नेक्स्ट असिम्प्टोट इज y माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। फिर एक और वैल्यू निकालेंगे हम फॉर m 4 इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए है ना, सो यहाँ पे हम निकालेंगे सी फोर बटा माइनस 2 रखेंगे, यहाँ पे माइनस 2 रखेंगे तो आएगा 6 प्लस 10 एंड माइनस 2 तो ये आएगा माइनस का 12 और माइनस 2 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 16 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा आपके पास माइनस का 10 प्लस और ये आएगा 8 एट फोर्जा 32 राइट है ना, और यहाँ पे 2 रखने पर दिस इज 20। सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 16 16 कैंसिल माइनस का 12 नीचे आ रहा है 12 12 से 12 कैंसिल सो दिस इज वन राइट। सो वाई इज इक्वल टू एम फोर एक्स प्लस सी फोर तो हमारे पास जो असिम्प्टोट आएगी वो आएगी माइनस का 2x प्लस का 1 सो द इक्वेशन इज दिस, सो दिस इज अवर थर्ड असिम्प्टोट। नाउ अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो चारों असिम्प्टोट है ये कर्व को 8 पॉइंट्स पे कट करती है और वो एक सर्कल पे लाई कर और वो एक विच कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट्स एंड लाई ऑन द सर्कल दिस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो कर्व है इस कर्व को लिखना है एंड देन इन चारों असिम्प्टोट को मल्टीप्लाई करके उस कर्व से क्या करना है, माइनस करना है। जो वैल्यू आएगी वो अगर ये आती है देन आपका प्रूव होता है ना। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको लिखूंगा मैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन कितना आएगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो चारों असिम्प्टोट निकले इन चारों असिम्प्टोट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो y माइनस एक्स पहली असिम्प्टोट, दूसरी असिम्प्टोट क्या है y प्लस एक्स माइनस वन, थर्ड असिम्प्टोट क्या है यहाँ पे y माइनस टू एक्स एंड y प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है ना। सो दिस इज वन एंड दिस इज टू, दोनों क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। सो हम करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन माइनस टू, जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। आप करेंगे इतना कैलकुलेशन करने की जगह भी नहीं है और आप भी एग्जाम में टाइम हो तो माइनस करके दिखाएं, बाकी आप सीधा लिखें है ना। ये इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन विच इज अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस एंड कट द कर्व एट एन इंटू एन माइनस टू पॉइंट्स। जितनी भी असिम्प्टोट होती है वो कर्व को कितनी पॉइंट पर टच करती है, एन इंटू एन माइनस टू पॉइंट्स, दैट इज एन की जगह यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, फोर इंटू फोर माइनस टू पॉइंट्स, दैट इज एट पॉइंट्स। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको भी समझाया कि कोई भी जो कर्व होता है ना,
उसकी जितनी भी एसिम्प्टोट्स होती है उस कर्व को कितने पॉइंट्स पे कट करती है, तो वो n इंटू एन माइनस टू पॉइंट्स पे कट करती है, और वो जो जहाँ पॉइंट पे कट करती है वो किस पे लाई करता है वो आपको अगर प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन जो भी आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसे आप चारों एसिम्प्टोट निकालेंगे, फिर चारों एसिम्प्टोट को मल्टीप्लाई करके उस कर्व से क्या कर देंगे माइनस, तो जो बचा हुआ हमारे पास कर्व मिलेगा वो हमारा वो पाथ होगा, एंड देन वो फार्मूले से n इंटू एन माइनस टू पॉइंट्स वाले फार्मूले से आप उसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, राइट। सो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, एंड देन फिर अगला टॉपिक लूंगा मैं आपके सामने। शो दैट द एसिम्प्टोट ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक कर्व कट द कर्व अगेन इन थ्री पॉइंट्स विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, आपको ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको वही बोला है, सबसे पहले आपको इस कर्व की क्या निकालनी है, एसिम्प्टोट निकालनी है। सो एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये थ्री डिग्री की टर्म, ये टू डिग्री की टर्म, और ये वन डिग्री है ही नहीं यहाँ पे, छोड़ो है ना। सो सॉरी दिस इज यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर एट टू एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर, ओके। सो दिस इज थ्री डिग्री टर्म, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वही सेम फाई थ्री एम लिखेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे वन, जहाँ पे वाई है वहाँ पे एम, तो ये आएगा वन माइनस टू एम क्यूब प्लस टू एम माइनस एम स्क्वायर देन फाइव टू एम, कितना आएगा यहाँ पे एम माइनस एम स्क्वायर, एंड देन वन डिग्री की टर्म यहाँ पे है ही नहीं। नाउ क्या करेंगे, लेट फाइव थ्री एम इज इक्वल टू जीरो, जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन माइनस टू एम क्यूब प्लस टू एम माइनस एम स्क्वायर, इसको माइनस बराबर जीरो देन, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आप देख रहे हैं एम स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यह आया है टू एम प्लस वन, यहाँ से आपके पास माइनस वन कॉमन निकल रहा है, सो टू एम प्लस वन। नाउ टू एम प्लस वन कॉमन निकाला तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एम की वैल्यू आपके पास आ रही है वन माइनस वन एंड माइनस का वन बाई टू। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी की वैल्यू निकालेंगे। सो सी इज इक्वल टू माइनस का क्या होता है फाइव थ्री डैश एम, ऊपर क्या होता है फाइव टू एम, है ना, हाइएस्ट को नीचे लिखते हैं एंड उससे एक कम ऊपर। सो फाइव थ्री डैश आपके पास कितना है, ध्यान दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस का एट एम स्क्वायर प्लस टू माइनस का टू एम, है ना, और आपके पास जो टू डिग्री की टर्म आएगी वो कितनी आएगी एम माइनस एम स्क्वायर, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर एम वन इज इक्वल टू वन, एम वन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो आपके पास सी वन जीरो आएगा, सो वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, सो वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर हम बात करेंगे फोर एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, है ना, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी सी टू वो आएगी हमारे पास माइनस वन वन एंड माइनस एट प्लस टू प्लस टू, क्लियर। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, है ना, यहाँ पे एम की जगह कितना रखेंगे माइनस का एट एम स्क्वायर प्लस का टू माइनस का टू एम, राइट, है ना। तो जहाँ पर भी एम है वहाँ कितना रखा हम लोगों ने माइनस वन रखा, तो माइनस वन रखने पर ये कितना रहा माइनस वन एंड दिस इज वन, ओके, एंड ये कितना रहा आपके पास यहाँ पे माइनस का एट प्लस का टू एंड देन प्लस का टू, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे जो वैल्यू थोड़ी गड़बड़ हुई है वो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिक्स एम स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सिक्स एम स्क्वायर आएगा, सो दिस इज माइनस का सिक्स आ रहा है ना। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा आपके पास वन, सो द इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, सो द एसिम्प्टोट इज y प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसी टाइप से हम रखेंगे फॉर m3 थ्री इज इक्वल टू कितनी है यहाँ पे वैल्यू माइनस का वन बाई टू, तो हमारे पास जो c3 है उसकी वैल्यू आएगी वन बाई टू, सो y इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री, सो y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू, सो दिस इज टू वाई प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज थर्ड एसिम्प्टोट। फिर मैंने आपको बोला था क्या करना है, आपको इस कर्व की इक्वेशन लिखनी है ना, तो इक्वेशन क्या आएगी एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमारे पास वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, तीनों एसिम्प्टोट को हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके
दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, एंड देन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू माइनस वन करेंगे। जैसे इसको माइनस करोगे तो वैसे आपको प्रूफ में लिखा हुआ ये वैल्यू आएगी, और आप करके देखोगे तो भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यही आएगी, राइट, विच इज स्ट्रेट लाइन, है ना। अब यहां पे क्या लिख रहा है, एंड कट द कर्व, है ना, विच इज कट द कर्व एट एन इंटू एन माइनस टू पॉइंट्स, दैट इज एन की जगह यहां पे कितनी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, थ्री है, सो थ्री माइनस टू पॉइंट्स दैट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट्स, सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये आज टॉपिक मैंने आपके सामने लिया और मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने कमेंट ज़रूर करते रहिए हमारे YouTube चैनल पे। और इससे रिलेटेड बहुत आपको लग रहा होगा, सर थ्योरी बहुत कम आ रही है, सब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो थ्योरी पढ़ाने का इतना टाइम नहीं, अगर मैं एक थ्योरी लेने जाऊँगा तो ये टॉपिक लगभग एक से डेढ़ घंटे का हो जाएगा, और मुझे लगता है कि आपको थ्योरी जो है वो अगर आप बुक में पढ़ेंगे या मेरा जो वेबसाइट है www.gajendrapurohit.com वहाँ से आप थ्योरी ले सकते हैं। सो दिस इज़ माई वीडियो, और नेक्स्ट मैं आपके सामने लेने वाला हूँ कि कैसे हम पैरेलल असिम्प्टोट्स निकालते हैं और इंस्पेक्शन मेथड से भी हम असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू।